मिली आपको। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 12 का प्रिंट आउट लें प्लीज रिसेप्शन से। तो 12th शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडीज। नाम से ही पता लग रहा है कि पॉइंट चार्जेस का क्वेश्चन तो नहीं है, चार्ज्ड बॉडीज के क्वेश्चन है। इस पूरी शीट पे लिखा जा सकता है नॉट फॉर एनसीईआरटी, प्लीज लिख लो, कहीं पढ़ने बैठो और इसको पढ़ने बैठ जाओ टाइम खराब करोगे, हेडिंग पे ऊपर ही लिख लेना, ठीक। तो मैं आपको कुछ बॉडीज, चार्ज्ड बॉडीज की वजह से ई निकालना सिखाऊंगा और उन ई के फॉर्मूलाज को हम याद करेंगे। और मजे की बात यह है कि प्रूफ आपकी सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करके लाया हूं, दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ एंड के रिजल्ट्स ही याद करने हैं। प्रूफ सिर्फ वैसे समझाऊंगा कि चीजें कैसी बनी, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको सिर्फ स्टेप्स देखने हैं और एंड के रिजल्ट जो मैं रिमेंबर बोलूंगा बस वही याद करना है बस। तो अच्छी बात है, 12 पेज में से सिर्फ 12 लाइनें याद करनी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक। बट ये हेल्प करेगा आपको फर्दर आने वाले टाइम में अगर आप इन प्रूफ को ध्यान से देखें। पहला रिजल्ट, हमने रिंग का केस किया था, चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पे ई निकालने का केस किया था और हमने प्रूफ किया था चार्ज रिंग के एक्सिस पे ये ई का फॉर्मूला है 1/4πε0 qr upon a² + r² raised to power 3/2। ये याद है, बनाया होगा रिंग आपने, एक्सिस पूरे किया होगा, किया, ठीक। रिंग के सेंटर पे ई क्या आया था, जीरो। ये सेकंड रिजल्ट भी हमने किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रिंग के एक्सिस पे ई जीरो है, इसके एक्सिस पे अगर बहुत दूर चले जाएं, बहुत बहुत दूर, तो ई कहां से आएगा, ई तो आएगा ही नहीं, तो बहुत दूर तो कहां ई लगाएगा वो। तो यहां पे जीरो है, अगर हम दूर जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, आपको स्मॉल आर बताना है कि वो पॉइंट कहां होगा जहां पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। डेरिवेटिव है ऑब्वियसली, मैक्सिमम, नाम से पता लग रहा है मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम तो जीरो ही है, ठीक है, मैक्सिमम। तो किसी भी चीज को क्या करना है, अगर मैक्सिमम, तो उसे क्या कर देना होगा, डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू जीरो। तो मुझे ई को मैक्सिमम करना है, ई एक्सिस पे मुझे पता है ई को मैक्सिमम करना है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूं, जो मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर करेंगे इक्वल टू जीरो। तो मैंने पूरा ई का ई फॉर्मूला यहां पुट कर लिया इक्वल टू जीरो, स्टेप क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट 1/4πε0 और क्यू कॉन्स्टेंट है, कॉमन निकाल के जीरो से कट जाएंगे, गए, ये तो गया, ये बच गया सिर्फ यू और वी का फॉर्मूला लगेगा। मैथ्स में यू बाई वी का फॉर्मूला वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी अपॉन वी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आपको कोई स्टेप नहीं पूछेगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे स्टेप्स को सिर्फ देखते जाए कैसे हो रहा है। ये पूरी की पूरी टर्म जीरो से क्या हो जाएगी, कैंसल, ठीक। ये टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ आर बाय डीआर इज 1 माइनस आर, इस पूरे के डिफरेंशिएशन के लिए पावर 3/2, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, एन माइनस 1 का फॉर्मूला, तो 3/2 माइनस 1 क्या होता है, हाफ, इनटू क्या करना पड़ेगा, डी बाय डीआर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है हमें, और इसके अंदर ये टर्म ऐसे ही, ये टर्म ऐसे ही, आर डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर, ए रिंग का कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2r। तो यहां से आप चेक कर सकते हो, इसकी जगह 2r, 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म राइट साइड पे चली गई, इस टर्म को इससे हमने डिवाइड कर लिया और पावर्स माइनस हो सकती हैं, 3/2 माइनस हाफ जो कि 1 आएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a बाय रूट 2। जो ऊपर प्रूफ बताया नहीं चाहिए, बॉक्स में डालो कि r की किस वैल्यू पर e मैक्सिमम होगा। कमल क्लियर है, ठीक है। तो r की किस वैल्यू पर e मैक्सिमम होगा, तो भैया बॉक्स में डाल लो, प्रूफ नहीं चाहिए,
आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, मैथ्स के टीचर आपको कैलकुलस सिखाएंगे नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, रिजल्ट ही याद करना है, दोनों को रिजल्ट याद करना है वैसे तो, पर मैथ्स में क्योंकि कैलकुलस आएगा तो ये स्टेप्स अपने आप ही आपको जल्दी समझ में आएंगे। ठीक, अभी के लिए सिर्फ रिजल्ट याद करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आएगा आर के किन वैल्यूज पर ई मैक्सिमम होगा, आंसर होगा प्लस माइनस ए बाय रूट टू, प्लस माइनस का मतलब इट कैन बी ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। क्लियर है, एक आंसर याद हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन आएगा, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, रिंग के अंदर ग्राफ प्लॉट करो ई का और एक्सिस पे आर का। तो देखो ई की वैल्यू सेंटर पे क्या, जीरो, देखो सेंटर पे जीरो, आर इज इक्वल टू ए बाय रूट टू पे ई क्या आ गया मैक्सिमम, और आर इज इक्वल टू माइनस ए बाय रूट टू पे भी मैक्सिमम, क्वाड्रेंट इसलिए उल्टा है क्योंकि डायरेक्शन विल चेंज। तो ये वेरिएशन स्टैंडर्ड है, ये तो ऑब्वियसली प्लॉट किया होगा किसी ने, ग्राफ प्लॉट किया, तो आज के बाद रिंग का अगर ग्राफ आया तो डायरेक्टली ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ये रिमेंबर रिमेंबर। ठीक, बस दो ही चीज़ें याद करनी है आज के पूरे टॉपिक के अंदर, जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे बने वो कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है, और एंड के दो दो लाइनें सिर्फ याद करनी है ताकि ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें हेल्प मिले। मैं बता तो सीधा भी सकता हूँ रिजल्ट्स, पर वो फिर सेटिस्फेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, इसमें एटलीस्ट जो करने वाला स्टूडेंट है उसको पता लगेगा कि कैसे हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हमने एक टॉपिक किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो डायपोल के ऊपर जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर है। अब देखो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बीच में न्यूमेरिकल दे नहीं पाऊंगा, रीजन पॉइंट चाहे तो खत्म हो गया, आप कितने पॉइंट करेंगे, अब बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अब बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन करने हैं तो पहले चार क्वेश्चन चार टॉपिक्स नए करवाने पड़ेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल पोर्शन इसका स्टार्ट होगा। तो आज वो बेस बिल्डिंग है कि कैसे काम करना है, फिर अगली बार से उसके ऑब्जेक्टिव आएंगे या जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे कि कैसे इन रिजल्ट्स को जो आज हमने किए उनके ऊपर मैं एग्जांपल्स लाऊंगा कि देखो ये हमने किया था, इसका ये एग्जाम्पल है, इस रिजल्ट का ये एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से आगे कोर्स चलेगा। रिंग डिस्क या रॉड्स आज हम करेंगे, जो अगला लेक्चर होगा वो स्फेयर्स एंड शेल्स के ऊपर ऊपर होगा, जिसको आप गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पांच नंबर का क्वेश्चन पक्का, दुनिया इधर से उधर हो जाए फ्लक्स में से क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड में, पांच नंबर की स्टार्टिंग यहीं से है, वो पक्का होगा, नीट में मेंस में एडवांस में आनी ही गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो अगर कॉम्पिटिशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो गॉस थ्योरम के ऊपर बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट स्फेयर्स और शेल्स पे आएंगे, मतलब रियली इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक, अब यहीं से स्टार्टिंग है, यहीं से बढ़ता जाएगा आगे। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक? क्वेश्चन है कि मैंने ना आपको ये पहले भी डिस्कस करके दिया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर एक डायपोल पड़ा हुआ है तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, थ्योरी में बताया था, मैथमेटिकल नहीं बताया था, मैं एक ऑब्जेक्टिव देख रहा था उसके अंदर मैथमेटिकल एक न्यूमेरिकल आया हुआ था जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर मैंने आपको ये ना बताया, तो मैं ऑब्जेक्टिव भी लिख के लाया हूँ और उसके पीछे क्या थ्योरी है वो भी लिख के लाया हूँ कि आपने कैसे करना है। सपोज करो ये पिंक लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि टूवर्ड्स राइट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है टूवर्ड्स राइट, इसका मतलब किसी ने यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, किसी ने यहाँ पर माइनस माइनस लगाया होगा जो दिख नहीं रहा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या पॉइंट क्लियर है? किसी ने यहाँ पर डायपोल को रख दिया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कई लोग दूसरे बैच में पूछने लगे सर गलत हो गया, मैंने कहा कैसे, कहते आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जो कि गलत है, इट शुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सही बोला किसी ने, वो तो एक्सटर्नल फील्ड है, डायपोल अलग चीज है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड के चार्जेस अलग हैं, डायपोल तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का ये बहुत बड़े बनाए हुए हैं, एक्चुअल में बस कुछ नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठे हैं बस, ये बहुत छोटे हैं, तो ये एक्सटर्नल फील्ड है प्लीज, और ये डायपोल का चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ करेगा, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? लाइंस टाइट है यहां पे पिंक कलर की, इसका मतलब फील्ड स्ट्रांग है,
लाइंस खुलती जा रही हैं, डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड वीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी कितनी, क्यू इंटू ई ए, और यहाँ पर वीक है तो एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई बी, ई की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंट है। अब कौन सी फोर्स बड़ी होगी, ए फोर्स की बी फोर्स, ए फोर्स क्योंकि वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ई स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यहां पर ई वीक है तो फील्ड वीक है तो फोर्स भी वीक है, तो अल्टीमेटली डायपोल कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि वो फोर्स बड़ी है, ये वाली फोर्स छोटी है। क्लियर है यहां तक? तो नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी इसके ऊपर, यहां लिख लेना प्लीज एफ ए और यहां एफ बी, एफ के पैर में ए, एफ के पैर में बी, लिख लेना। अच्छा कितनी मिली, तो देखो नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ क्या एक्ट करेगी, एफ ए माइनस एफ बी, क्यू ई ए माइनस क्यू ई बी, क्यू कॉमन आ गया, ई ए माइनस ई बी। ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप सबको क्लियर है। लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, डायपोल की लेंथ मैंने कितनी ली इसमें, एल, डायपोल की जो लेंथ है वो कितनी ली मैंने, एल, वैसे टू ए होती है, तो एक काम करते हैं इसको एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, क्यू इंटू लेंथ ऑफ डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट P, Q into 2A या Q into L, dipole moment P, change in electric field को DE लिख लिया, मतलब कि अगर total change है तो EB minus EA, अगर small भी तो हो सकता है इसका portion, तो वहाँ पर DE लिख लिया differential की form में, और length क्योंकि EA minus EB total electric field है, जब distance L है, क्या पता मैं इसका एक portion लूँ जहाँ small electric field का change DE है और L की जगह क्या लेना पड़े हमें, DL, तो small portion के लिए DE by DL, तो इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो लिखा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, पी फॉर डायपोल मोमेंट, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी डायपोल को, इज इक्वल टू पी फॉर डायपोल मोमेंट इनटू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट याद है डीवी बाय डीएक्स, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लेंथ। जो मैंने आपको ऊपर करवाया आपको कुछ नहीं याद करना, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेना, ये फॉर्मूला बस, कोई प्रूफ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, बस खत्म, इतना फॉर्मूला। ठीक, मैं सीधा बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा ना, अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा ये कैसे लगेगा, डीई बाय डी एक्स आएगा एक्चुअल में, वो एक्चुअली डी एक्स आएगा, मैं बताता हूँ, वो लगा के दिखा रहा हूँ, दो मिनट देना मुझे। ये देखो, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन मैंने देखा ऑब्जेक्टिव कि एक डायपोल पड़ा हुआ है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये रहा, ठीक, ये डायपोल पड़ा हुआ है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, किस रेट से बढ़ रहा है, 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम ई है पर मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट को डिस्टेंस से डिवाइड किया हुआ है, तो आपको नहीं लगता ये वैल्यू डी बाई डी जेड गिवन है, क्योंकि जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में चल रहा है तो यहां लगा सकते हैं डी बाई डी एक्स, अगर वाई में इंक्रीज हो रहा है तो डी बाई डी वाई, और अगर जेड में चल रहा है या जेड में इंक्रीज हो रहा है डी बाई डी जेड, और इसमें जेड में इंक्रीज हो रहा है तो इसके यूनिट्स भी चेक करो, न्यूटन पर कूलम ई के यूनिट्स हैं, और पर मीटर का मतलब डी बाई डी जेड। आपको फोर्स निकालनी है इस डायपोल के ऊपर कितनी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या करवाया, डायपोल मोमेंट इनटू डी बाई डी जेड, जेड एक्सिस है डी बाई डी जेड, पी पता है, डी बाई डी जेड पता है, मल्टीप्लाई करो आंसर। पर प्रॉब्लम यह है कि ये फॉर्मूला पता होगा तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो कैसे बात बनेगी, तो थ्योरी नहीं चाहिए इसकी, इसमें सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला चाहिए बस। तो जितना भी इस शीट में काम चल रहा है आप नोट करो, थ्योरी याद करने को बिल्कुल नहीं कह रहा, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको स्टेप्स आने चाहिए, बस ये कह रहा हूँ कि एंड रिजल्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसे आया, क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देखो थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, इस बार तो थ्योरी उड़ा दी मैंने इसमें से, बताता हूँ क्यों। एक डिस्क है, ठीक,
और एक चार्ज डिस्क है, मुझे ये बोलना चाहिए, एक चार्ज डिस्क है देखो, एक चार्ज डिस्क है और चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी एरिया, तो क्या गिवन होगा इसका, सिग्मा। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी एरिया तो क्या गिवन होगा, सिग्मा। तो इस केस में जैसे रिंग का करते थे, रिंग के एक्सिस पे ई निकालो, ऐसे क्वेश्चन है डिस्क के इस एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे ई निकालो, ये क्वेश्चन है। लॉजिक ये है कि अगर इसका प्रूफ देखना हो आपने, तो अगर ये डिस्क है, डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी चार्ज रिंग से, उनमें से एक रिंग ले ली जाए, ये एक रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पर ई का फॉर्मूला लगा दिया जाए ड्यू टू रिंग, सिंगल रिंग। कहां से आएगा फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी रिंग का फॉर्मूला याद किया हुआ है। हाँ, तो सारी रिंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन लें, उन्हें इंटीग्रेट करें और वहां से डिस्क का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है यहां तक। अब इसकी डिस्क की इंटीग्रेशन के अंदर एक इंटीग्रेशन यूज होती है जो हमने प्लस वन के बिल्कुल एंड में की थी, जब कैलकुलस करते थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक, जो काफी लोग भूल चुके होते हैं, इस टाइम तक याद नहीं होती, यूज नहीं होती ना, इसलिए एक साल तक कभी भी प्लस टू के कैलकुलस में मैथ्स के टीचर करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन, मेडिकल को जरूरत नहीं सब्स्टिट्यूशन की, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दो वेरिएबल्स की फॉर्म में काम चलता है। चलो, इन एनी केस सब्स्टिट्यूशन छोड़ो, उसके डिटेल में जाना ही नहीं हमने, तो फिर बात ही क्या करनी, आगे सुनो। तो उसको करने के बाद एक रिजल्ट आता है ई का, और वो ये रिजल्ट ही आता है, क्योंकि रिंग, अगर हम एक रिंग ले, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में हम कंसिडर करते थे, वाई में सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाते थे, कैंसिल, याद है, साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो रिंग जब एक्स एक्सिस पे ई लगाती है, तो पूरी डिस्क भी एग्जैक्टली एक्स पे ही लगाएगी। कितना लगाएगी, इतना लगाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू सिग्मा, वेयर सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज ऑफ डिस्क बाय टोटल एरिया ऑफ डिस्क इंटू 1 माइनस x/r² + x² का अंडर रूट। ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, याद करना है। और वाई एक्सिस में ऑब्वियसली यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, जीरो। कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर, तसल्ली नहीं हुई ऐसे, ये तो पूरा दिख ही जाता था और चल ही रहा था, तो ये भी कर देते। तो इस रिजल्ट को मैं आपके व्हाट्सएप पे वीडियो ही सेंड करूंगा, जो इंटरेस्टेड है उस वीडियो को देख लेगा, 10 मिनट का वीडियो है, नोट भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं हर साल करवा रहा हूँ और कभी भी फायदा नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ना मेंस में आए, ना नीट में आए, ना एनसीईआरटी में आए, तो मतलब 1-1.5 पेज की इंटीग्रेशन के स्टेप्स देखना बहुत फायदेमंद नहीं है, अनलेस एडवांस की बात ना हो, क्योंकि एडवांस के अंदर वो सिग्मा का कोई फंक्शन दे देगा आपको अलग सा, वहां आपको चाहिए होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, तो व्हाट्सएप पे जो वीडियो आएगा उस पर आप प्लीज 10 मिनट के लिए नोट कर लेना, इसका प्रूफ सारा उस पर चलेगा, ठीक है। तो अभी फॉर्मूले से काम चलाएंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ की वैसे मेरे हिसाब से। तो ये फॉर्मूला क्लियर है सबको, डिस्क का ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो बाईपास कर रहे हैं उस प्रूफ को। ये मैंने बता दिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला लीनियर चार्ज, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, लैम्डा dQ/dL। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, dQ/dS। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, dQ/dV। ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा था, मैंने लिख दिया इस पे, राइट। अब जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखना, ये आर्क के क्वेश्चंस हैं। आर्क मतलब एक छोटा सा सर्कुलर आर्क है, चार्ज्ड है। जैसे हमने ना क्वेश्चन रिंग का किया था, एक रिंग के एक्सिस पे ई बताओ, ठीक है, रिंग का तो याद हो गया, एनसीईआरटी करवाती है, रिंग तो हमने याद कर लिया। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो रिंग का नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को रिंग के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं। सेमी सर्कल कर देगा, सेमी सर्कल चार्ज्ड है, उसके एक्सिस पे ई निकालो, आर्क है इस टाइप का, बस आर्क है। आर्क भी अलग कैसे है, यूनिफॉर्म नहीं है, आर्क में नीचे का एंगल θ1 है, ऊपर का θ2 है, बराबर बराबर भी नहीं है, यहां से छोटा है यहां से, तो अब ई निकाल लो यहां पे, वो कहता है। तो इसका ई
निकालने को क्वेश्चन आएगा और आता है, मेंस और नीट में बहुत आसानी से आता है और 30 सेकंड में ही लगेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रूफ देखना पड़ेगा कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सिर्फ फॉर्मूलाज में इसलिए नहीं बताना चाहता, फॉर्मूला लिख दिया हो तो 30 सेकंड में भी काम खत्म कर दूंगा, क्योंकि कल को अगर मान लो कुछ वेरिएशन आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी अगर आप इसका प्रूफ भी देखें। तो प्रूफ देखना चाहिए हमें, और प्रूफ बहुत सिंपल है। जैसे हमने सर्कल के लिए ई निकाला था एक्सिस पे, बस सेम प्रूफ है, सर्कल वाले सेम प्रूफ है। करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, ये एक आर्क, ओ मैंने लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे प्रूफ नॉट फॉर, पूरी शीट के आगे लिखवा दिया नॉट फॉर एनसीईआरटी, जो रिजल्ट्स आएंगे सिर्फ कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे बस। तो सबसे पहली चीज, इसमें एक आर्क, आर्क बहुत पतला है तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, तो क्या यूज करेंगे इसमें, लैम्डा, क्योंकि चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या यूज करेंगे, लैम्डा। एंगल अनइवन गिवन है, थीटा वन थीटा टू और रेडियस आर है, तो जहां ई निकालना है प्लस वन। ये ना सर्कल की जैसे डेरिवेशन की थी बिल्कुल वैसी चलेगा। एक एलिमेंट लिया मैंने एक सर्कल की तरह डी क्यू, स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज यहां प्लस वन रख लो प्लीज, लिखो यहां प्लस वन, स्मॉल चार्ज डी क्यू प्लस वन पे क्या लगाएगा, ई लगाएगा, पर वो स्मॉल लगाएगा, कितनी लगाएगा, डी ई लगाएगा। डायरेक्शन क्या होगी बोलो, डी क्यू इसे रिपेल करेगा डी, स्मॉल इस पोर्शन ने एंगल कितना सबटेंड किया यहां पर सेंटर पे डी थीटा, और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा, राइट। तो हमने क्या किया, इस डी क्यू ने, इसकी लेंथ कितनी है डी एल, इस डी क्यू ने प्लस वन को रिपेल किया डी, थीटा इसलिए लिया क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा, तो यहां से डी के दो कॉम्पोनेट्स है डी कॉस एंड डी सर्कल की तरह ही तो है बिल्कुल, तो ये कॉम्पोनेट्स क्लियर है डी कॉस डी साइन। सर्कल में एक ट्रिक बताया था कि अगर आप एक एलिमेंट ऊपर लेते हो तो एक एलिमेंट नीचे भी ले लो ताकि डी साइन थीटा कॉम्पोनेट आपस में कैंसिल हो जाए। कितने लोग एग्री करते हैं कि इसमें बिल्कुल ऐसा ही होगा और आंसर सिर्फ एक्स में जाएगा, और कितने लोग कहते हैं नहीं एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, ऐसा क्यों, वाई में क्यों जाएगा इस बार, क्यों सर्कल, क्योंकि क्योंकि सिमेट्री नहीं है, हाँ सिमेट्री नहीं है, यानी कि यहां से आर्क बड़ा है और यहां से आर्क छोटा है, तो यहां का ई का कंपोनेंट ज्यादा लगेगा यहां का कम लगेगा। अगर यहां पर 10 कंपोनेंट है इमेजिन करो तो यहां पर तो 8 ही होंगे, ऑब्वियसली छोटा है तो सारे कंपोनेंट आपस में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो ये बात एग्री करते हो कि इसमें कम से कम डी साइन थीटा कैंसिल नहीं होगा, राइट। तो इसमें एक्स में भी ई आएगा, इसमें वाई में भी ई आएगा, हाँ सिमेट्रिकल फिगर सर्कल जैसी फिगर में कैंसिल करेगा, जब एलिमेंट्स ऊपर और नीचे बराबर होंगे तो कैंसिल करेगा, बराबर नहीं होंगे तो कैंसिल नहीं करेगा, कोई डाउट इसमें। तो हम इसमें अगर नेट ई निकालना चाहते हैं तो ट्रिक ये रहेगा, आप पहले एक्स एक्सिस का एक कॉम्पोनेंट लें जो कि क्या है डी कॉस थीटा, इसे इंटीग्रेट करें पूरे आर्क के लिए, तो यहां से क्या आएगा पूरे आर्क के लिए इंटीग्रेट करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अभी आधा क्वेश्चन हुआ। फिर आप कंपोनेंट किसके अलोंग लें, वाई के अलोंग लें, फिर वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करें तो आंसर किसमें आएगा सॉल्व करने के बाद, वाई एक्सिस, और ये ई एक्स ई वाई आया। कोई अगर क्वेश्चन में पूछे नेट ई निकालो आर्क की वजह से, तो फिर वेक्टर से क्या करेंगे, ऊपर जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं ex square plus ey square का वेक्टर सम, because both are perpendicular to each other, तो net e आएगा। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव इसके 30 सेकंड के निकलेंगे, करके दिखाऊंगा अभी आपको, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो हम वापिस चलते हैं और पहले हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। तो मैंने x का एक कॉम्पोनेंट लिया, बोलो कितना डी कॉस थीटा, राइट। DE की वैल्यू बोलो, DQ लगाएगा, कितनी लगाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught DQ divided by R square D और into cos theta, DQ क्या होगा, DQ is equal to, इसमें lambda का मतलब क्या है, charge per unit length, और DQ charge कितनी length पर है, DL, तो यहाँ पर DQ की जगह क्या आएगा, lambda DL, क्योंकि
क्योंकि लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? और इस सेक्टर में देखो एंगल इज आर्क बाय रेडियस। आर क्या है? डीएल बाय आर। ये स्टेप क्लियर है? एंगल डी थीटा इज आर्क डीएल बाय आर। ठीक, तो यहां से डी थीटा क्या आएगा, सॉरी डीएल क्या आएगा, आर इंटू डी थीटा। इस डीएल की जगह पुट कर दो आर डी थीटा। वो इसलिए क्योंकि हम इसमें वेरिएबल एंगल ले रहे हैं और इंटीग्रेशन भी एंगल की फॉर्म में ही चलाना चाहते हैं, राइट? तो मैंने डीएल को डी थीटा में कन्वर्ट किया, तो यहां से कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर से आर कैंसिल बाहर आ गया, थीटा वाली टर्म्स अंदर बच गई। तो ये आपके पास थीटा वाली टर्म्स आ गई, ये रही। अब मैं क्या लगाऊंगा इन पे? लिमिट्स। लिमिट्स लगाने का स्टाइल देखो, लिमिट्स लगाने का ये स्टाइल है कि अगर आपके पास ये एक आर्क है, ये रही, ये एक्सिस देख रहे हो जहां ई निकालना है, याद रखना लिमिट ऐसे लगेगी, पहला एलिमेंट ये रहा, आखिरी एलिमेंट ये रहा, तो लिमिट लगेगी इस एक्सिस के नीचे के एंगल को, माना जाता है नेगेटिव। नीचे जाने का मतलब नेगेटिव, ऊपर आने का मतलब पॉजिटिव। तो हम लेंगे इस एक्सिस को मानते हुए माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू। जब मैं बोलूंगा माइनस थीटा वन, नीचे आ जाना, जब मैं बोलूंगा प्लस थीटा टू, ऊपर आ जाना, क्योंकि नीचे को नेगेटिव बोलना है, ऊपर को पॉजिटिव। ये रूल है, और इसीलिए जब हमने इसमें एंगल की लिमिट्स लगानी है तो माइनस थीटा वन से थीटा टू, और जब हम यहां पर कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर साइन थीटा आएगा। थीटा की जगह अपर लिमिट, थीटा की जगह लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस होगा, ये वैल्यू आएगी। ऊपर का प्रूफ आपको आए या ना आए, फॉर्मूला रिमेंबर लिख सकते हो इसमें, आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन आएगा, एक आर्क देगा, थीटा वन थीटा टू देगा, मान लो 30 डिग्री 45 डिग्री, सीधा पूछेगा ई ऑफ एक्स बताओ, कौन कर रहा है इंटीग्रेट, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेगा, आंसर आएगा। बट ये कहां से आया, एक आइडिया पता लगा। दूसरा मजे की बात देखो, ये नॉट फॉर एनसीईआरटी लिखा, सेम चैप्टर आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, सेम चीज एनसीईआरटी डेरिवेशन डाल रखी है पूरी की पूरी, पर वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये ना सोचो कि ऐसी चीज एनसीईआरटी में नहीं आती, बस समझो आपको वो डेरिवेशन आ गई, जब हम उसमें करेंगे ना आपको अपने आप इजी लगेगी उस दिन, क्योंकि आप दो बार कर रहे हो, ठीक है? ये याद नहीं किया आपने, उसको आपको याद करना पड़ेगा स्टेप्स, कोई बात नहीं, वो तब की तब देखेंगे। बट पॉइंट समझ में आया यहां तक? अभी फॉर्मूले से काम चलेगा बस, ठीक? क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अभी आधा आंसर आया ex, अब क्या आएगा ey। ey में कुछ नहीं करना, कंपोनेंट चेंज करना है, कॉस की जगह साइन, सेम स्टेप सेम स्टेप सेम स्टेप, यहां चेंज, कॉस की जगह साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस बाहर आ जाएगा कॉस थीटा में, एक बार थीटा की जगह अपर एक बार लोअर, माइनस अंदर जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। ऊपर क्या हुआ नहीं लेना, क्या याद करना है ई वाई। तो थोड़ा आपको इतना भी एफर्ट ना करना पड़े, मैंने एंड में फॉर्मूला बना दिया, तो बस आपने यही करना है इस टॉपिक में और कुछ नहीं करना। तो टॉपिक है ये आर्क है थीटा वन थीटा टू, तो आज के बाद क्वेश्चन पूछूंगा कि ई एक्स बताओ इस आर की वजह से, तो सीधा बोल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन साइन थीटा टू। मैं पूछूंगा ई वाई बताओ, वाई कंपोनेंट बताओ, तो ये वाई कंपोनेंट, तो वैल्यू पुट कर लेना आंसर आएगा। मैं पूछूंगा नेट ई बताओ, तो पैलोग्राम लॉ से नेट आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। सो जैसे क्वेश्चन आएगा, ये देखो ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव, आपको आर्क ऐसे गिवन है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के सेंटर पे ई बताओ। अब पहला तरीका, वो कंपोनेंट लेने बैठ जाओ, इधर का कंपोनेंट इधर, कौन करेगा इंटीग्रेशन इतने एक सेकंड में, वहां एक मिनट में क्वेश्चन करना है तो वहां कौन करेगा इंटीग्रेशन, सीधा फॉर्मूला लगाओ। आर्क है ये भी, आर्क का हमने इन जनरल रिजल्ट कर लिया, अब कोई भी आर्क में आंसर आएगा। कैसे? ये एक आर्क है तो ये एंगल एक क्या लेंगे 90, दूसरा भी क्या लेंगे 90, तो ई ऑफ एक्स एक्स में 90 90, आंसर कोई इंटीग्रेशन नहीं कोई कुछ नहीं, सीधा वैल्यू ई एक्स आ गया। ई वाई में 90 कॉस 90 ये जीरो हो गया, तो ई वाई की वैल्यू जीरो। वैसे भी पता है सिमेट्री है ना, ऊपर के कंपोनेंट नीचे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, ई वाई तो वैसे ही नहीं आएगा, पर आपको फॉर्मूला यूज करना पता लग गया। तो आपने जो प्रूफ किया इंटीग्रेशन का वो किसी काम का नहीं है,
बस ये फॉर्मूला ही काम किया। अब कोई भी आर्क आएगी, किसी भी शेप की आएगी, आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ये लो, ये क्वेश्चन आएगा, आर्क अगर क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, अब क्वार्टर का मतलब 1/4 हो गया, तो क्वार्टर 1/4 है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो क्वार्टर का मतलब हुआ पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, ये समझ में आता है? एंगल्स समझ में आता है, ऐसे होगा ना, आधा आधा। दूसरी चीज, इसमें एक चीज समझो, क्वार्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगा, क्यों होएगा? मैंने 2 मिनट समझाने के लिए बनाया, आपको करने की जरूरत नहीं है। एक एलिमेंट यहां लेंगे तो यहां भी निकलेगा एलिमेंट, और जितने यहां निकलेंगे उतने यहां निकलेंगे, पक्की बात है, ठीक। तो ये एलिमेंट यहां ई इस तरफ लगाएगा, कितना डी, करेक्शन करना, स्मॉल एलिमेंट डी लगा रहे, डी हर जगह, ई की जगह डी करो, यहां पे डी डी डी, यहां पे इस एरिया में, यहां पे ई की जगह हर जगह डी करो प्लीज, करेक्शन, यहां पे डी, देखो तो यहां पर ये एलिमेंट है, ये यहां पे डी लगाएगा, ये एलिमेंट यहां पे इस तरफ डी लगाएगा, तो ये थीटा थीटा एंगल पर आपने एलिमेंट्स लिए, ये थीटा, तो ये थीटा थीटा थीटा, ई के दो कंपोनेंट ई कॉस ई साइन, ई के दो कंपोनेंट ई कॉस ई साइन, डी साइन डी, डी लगा लेना हर जगह। तो ये कॉम्पोनेंट इसे क्या करेगा, कैंसल, और हर बार कैंसिल करेगा, क्यों? सिमिट्री फिगर है, तो जितने एलिमेंट इधर है उतने इस तरफ भी होंगे, तो नेट ई अल्टीमेटली कहां आएगा, इस तरफ, राइट, ठीक बनाया ना, नेट इस तरफ है। तो एक और चीज बना लेना यहां पर, इसमें इस डायग्राम में दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, ये लिख लो एक्स एक्सिस, और दिस इज वाई एक्सिस, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड ई साइन थीटा वाला वाई एक्सिस 90 डिग्री पे, ठीक। तो मतलब वो आर्क टेढ़ा पड़ा है ना, तो एक्स और वाई एक्स टेढ़े दिखेंगे इसमें, ठीक है यहां तक? सिर्फ समझाने के लिए, अगर वो नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, एक और तरीका है, आर का रिजल्ट तो आता ही है, आर का रिजल्ट ऐसे ही यूज कर लो, एक जगह पाई बाय फोर, पाई बाय फोर ई एक्स आ गया, ई एक्स में ये 1/√2, 1/√2 45 डिग्री के हिसाब से ये आ गया, और ई वाई में ये टर्म क्या हो गई, कैंसल। एक और चीज और नोट करना, जितने सिमेट्रिकल आर्क होते हैं ना उनमें ये एंगल बराबर आएगा, और ई वाई हमेशा हमेशा सिमेट्री में जीरो आंसर देगा, और जो नॉन सिमेट्रिकल है ज्यादा कम एंगल होंगे उनमें ई वाई जीरो नहीं होगा, और मैंने डायग्राम से भी समझा दिया, नहीं बनाना तो यहीं से अपने आप ही जीरो आ जाएगा, अपनी हेडेक ही नहीं है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब असली चीज सुनो, ये पूरी कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए सुनाई। अब देखो, मतलब ये न्यूमेरिकल उन लोगों का ठीक होगा जो ये पूरी जर्नी ठीक तरह करके आए हैं। देखो, क्वेश्चन डालने वाले ने ये डाला, एक सर्कल है 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा लैम्डा, ठीक, मतलब डेंसिटी डिफरेंट है चार्ज की, चार्जेस पॉजिटिव है, चार्जेस नेगेटिव है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। मुझे ई इसके सेंटर पे निकालना है, जहां निकालना है वहां +1। अब रूल नंबर 1, ये 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा पॉजिटिव है, +1 को क्या करेगा, रिपेल, इधर वेक्टर बनेगा, ये प्लस क्या करेगा इसे, रिपेल, ये माइनस इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये माइनस इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो नंबर ऑफ वेक्टर कितने बनेंगे, 4, ठीक। ये क्वार्टर दिख रहा है आपको, 1/4, क्वार्टर का फॉर्मूला आपको आता है, √2 λ/r वाला भी किया था, और नेट ई क्वार्टर की वजह से इस तरफ या इस तरफ होगा, वो भी अभी डिस्कस किया हमने। तो शुरू करते हैं, माइनस लैम्डा से शुरू कर लेते हैं, माइनस लैम्डा की वजह से ये वेक्टर कहां बनेगा, इस तरफ, इस क्वार्टर के बिल्कुल इस एक्सिस पे, वैल्यू बोलो 1/4 πε₀ √2 मैग्नीट्यूड λ/r, क्लियर है। फिर इस −2 λ की वजह से अट्रैक्शन होगी +1 को, 1/4 πε₀ √2 × 2 λ/r, क्योंकि यहां पर वैल्यू कितनी है, 2 λ, तो यहां पर 2 λ/r अट्रैक्शन है। फिर यहां 2 λ इसे क्या करेगा, +1 को रिपेल, कितनी वैल्यू से, 1/4 πε₀ √2 2 λ/r,
टू लैम्डा, लैम्डा इंटू टू कर दिया, टू लैम्डा बाई आर, ऐसे ये लैम्डा इसे क्या करेगा, रिपेल रूट टू लैम्डा बाई आर। रिजल्ट यूज करना आ रहा है, रिजल्ट वही है क्वार्टर वाला, बस रूल वही है, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। ठीक है यहां तक? तो आप चेक कर सकते हो चार वेक्टर यहां पर, एक दो तीन चार, चारों वैल्यूज लिख दी मैंने, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो नेट वेक्टर दिस माइनस दिस, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो दिस माइनस दिस, तो दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसे माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से इसे माइनस किया तो ये आ गया, 90 डिग्री पे आएंगे, नेट ई क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ई डैश स्क्वायर, ई डबल डैश स्क्वायर, ई डैश और ई डबल डैश पुट किया, आंसर आएगा, तो जाके सीट मिलेगी। ये क्वेश्चन लंबा है, बट आपको जो फाइनल के अंदर आएगा, हो सकता है वो सेमी, एक क्वार्टर, एक सिंगल क्वार्टर ही आए, बोलो आ रहा हूं। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मैंने इस बैच में टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, पिछली बार वाले कर दिए थे। ठीक है, बहुत अच्छा।